मॉर्निंग कविता हार्डवेयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग, आशा करते हैं सोचते होंगे मत होंगे। तो सबसे मैं नहा के रेडी हो गया हूँ क्योंकि केश का शुरू हो गया है ढेर थोड़ा, तो उन्होंने काम बहुत ज़्यादा खाने पीने का, तो मम्मी आटा बोल रही है खेत में जाना है यार। और मेरे ना केश में तक दर्द है इस साइड वाले में, लेफ्ट वाले में बहुत ज़्यादा पेन है रात से पूरी रात, तो भी बाइटम से ना दर्द था। केश को फिर भी करा रही थी ना तब भी दर्द हो रहा था, मर क्या करें यार, करना तो पड़ता ही है ना। तो मैं बना रही हूँ नमकीन की सब्ज़ी यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दिए हैं मैंने, और टमाटर भी काटे आज टमाटर काटे क्योंकि टमाटर और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बनाएंगे, तो इस वजह आज आधा यूज़ कर दूँ पूरा सूखा भी नहीं डाल दूँ। अब टमाटर डाल दूँगी, रात की सब्ज़ी का मैंने बची है मगर हेल्प भी आएगी ताई वाली जी की कर सकते हैं। कैसे हो रही है डाल देती हूँ, यहाँ पे दूध डाल दिया, दूध से पकती है सब्जी, पानी नहीं डलता है इसमें, तो फटाफट बना देती हूँ। ब्रियांशु जा जल्दी, जाएंगे काम पे हम लोग भी बम्बियर में, पहले मेरे को ये दवाई दे दिलाने जाएंगे, शेष में हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन रात से और आगे नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा, सब्जी नहीं होगा, सब्जी बन रही है मेरी, मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, ओपन कर देती हूँ। ये जा रहे हैं खेत में गेहूं लेके, एक कट्टा और है, मम्मी ला रही है एक कट्टा, लोहे में बनाती है। अब केसु घोड़ दीजिए उसकी चाय पराठा वो बना दूँ सब रोटी राटी। बस पकड़ोगे मैं भी टाइट बांध लो एक बार और आ जा तू लड़की छ चप्पल भी उल्टी पहनी हुई दादी ने। मम्मी ले आ रही है रोटी खेत में, वही खाएगी, और ये सच्चे की लड़की इतने तेज गाने चला रही है ना, तो इसके वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, एक बार आ गया था मेरी वीडियो पे, इसलिए वीडियो बनानी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी हस्बैंड के साथ दवाई लेने के लिए क्योंकि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, दो दिन हो गए हैं, तो मम्मी बोल रही थी गेट ड्यूटी से पहले पहले दिला देंगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे ढांसा पे, ये सतीश डॉक्टर है यहाँ पे, तो यहीं आते हैं हम लोग दवाई लेने, जैसे मम्मी वगैरह के किसी के भी दर्द वगैरह होता है तो यहाँ पे ये 8 बजे से क्लिनिक खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं बैठ बैठ के इंतजार कर रही थी मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, तो हस्बैंड ने गुस्सा कर रहा था कि वीडियो जहाँ भी जाती वीडियो बनाने लग जाती है। मैंने कहा मेरा तो काम ही यही है भाई, जिसको जो बोलना है बोलने, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं ये कभी वीडियो बनाना बंद करूँगी, जो मेरे बारे में नेगेटिव बोलता है वो भी बोलता रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से।
हॉस्पिटल खुलते ही साथ सारे सारे मरीज आ गए थे यहाँ पे खेत में। अभी हम दवाई लेके आए थे, आप सीधा यही ड्यूटी जाएंगे और मैं खेत में आ गई हूँ। खेत में फिर से कल भी आई थी, आज भी पानी लेके आई हूँ आज, क्योंकि भाई पानी मम्मी सुबह लेके आई थी, भाई काम करते करते प्यासी बहुत ज़्यादा लगती है ना इस वजह से, तो भाई पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। अब देख लो भाई, हम लोग हैं खेती बाड़ी वाले लोग, कभी कभी खाद का खेत का काम भी करना पड़ता है भाई, क्योंकि हमने गेहूँ बोने खेत में, इस वजह से ये सारे सारे जो घास है ना वो निकालना पड़ रहा है हम लोगों को। तो हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए मुझे छोड़ के, तो मैंने कहा मम्मी के साथ काम करवा लेती हूँ, और घर का सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। खाना पीना तो हो गया है, गैस भी ख़त्म हो गया है, मैंने गैस भी चेंज नहीं करा, मैंने कहा जितनी रोटी बनगी बनगी उसके बाद में देखेंगे। हस्बैंड एंड केसू चले गए अपने अपने जगह, जहाँ जाना है इन्हें ड्यूटी पे एंड स्कूल पे। तो मम्मी खेत में लगी होगी सुबह से, जा रही थी मम्मी कितने बजे से, 8 बजे गई होगी मम्मी, हाँ 8 से ऊपर ही गई होगी शायद ना। तो मम्मी अपनी रोटी ना खेत में लेके आ रखी थी, बोल रही मैं खेत में ही खा लूँगी, मैंने चलो ठीक है खा लेना। और सूरज भी आ गया सुबह से, मैंने ओस भी पड़ रखी थी, अभी भी मैं चल रही हूँ ना तो घास गिल्ली गिल्ली सी हो रही है, क्योंकि सुबह आजकल ठंड लगी इस वजह से। तो जो स्कूटी में जा रहा है ना मुझे देख रहा है क्या बोल रही है ये, क्योंकि गाँव में ना बहुत मतलब रिस्क होता है यार वीडियो बनाने में, ना हर कोई वीडियो बनाता नहीं है, जो बनाता है तो पता है कैसे कैसे बनाता होगा, मेहनत बहुत लगती है गाँव में ना, क्योंकि सब देखते हैं बोलते हैं इस वजह से। हमारा ना टब भी गिरी, टब भी दिख रहा है देखो वहाँ पे, मम्मी कहाँ है दिखाई नहीं दे रही। पता क्या हुआ, मैंने ना ध्यान नहीं करा कि कैमरा ऑन ही नहीं है, वीडियो में बोलते रही देखा बाद में, ले कैमरा तो ऑन ही नहीं है। तो मम्मी को देखती हूँ कहाँ जा रही, मम्मी दिखाई नहीं दे रही, कोने में होगी कहीं इधर उधर, तो देखती मम्मी को ढूंढती हूँ हो रहा, मगर मम्मी ना दिखाई नहीं दे रही कहाँ है, भाग तो नहीं गई मम्मी कहीं। एमा है ही नहीं मम्मी ना वहाँ आराम कर रही थी, सुबह सुबह थकी होगी काम पे लगी हुई अकेले अकेले, वहाँ लेटी ही थी। मैं सोच रही पिंक पिंक सा तो है, मैंने कहा मम्मी खाऊंगी आज, मेरे को भाग तो नहीं गई इधर आती भी ले लियो टप में से। तो भाई इंसान काम कर करके थक जाता है, अब वैसे भी भाई हम ही थक जाते हैं, मम्मी को क्या इसमें नहीं है, वही तो तो मम्मी लगी हुई थी सुबह से अकेले अकेले खाना तो सब मोटा मोटा ही खाऊंगे मोटा तो देखो मैं खुद से ही वीडियो वगैरह बनाती हूँ, देखो कोई शूट करने वाला भी नहीं रहता, तो मैंने साइड में ही कैमरा लगा दिया था ऑन करके, मैंने कहा चलो भाई आप लोगों को भी दिखाना चाहिए जो मैं काम करती हूँ है ना भाई। अब मैं इस प्लेटफॉर्म में आ चुकी हूँ तो मुझे किसी चीज़ का ना डर है ना मुझे किसी चीज़ की चिंता है, जब मेरे फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं मुझे तो मुझे किसी कोई मतलब भी नहीं है भाई। मेरी सास जो मेरा साथ देती वीडियो बनाने, मेरे हस्बैंड जिनका मैं सुनती हूँ, ठीक है दोनों के दोनों जब मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है भाई, है कि नहीं है कि हाँ भाई अगर बाहर वाले कोई कुछ बोलते हैं तो बोलने दो, क्योंकि देखो होता है ना कि बाहर के लोग तो बोलते बोलते चार बातें बोलेंगे देखो अगर किसी वीडियो भी बनाएंगे तो भाई सुनना भी पड़ता है ना। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी, मैंने दादी और की वीडियो बना दी थी, तो फिर दादी ने उस दादी आई थी कैमरे पे तो खेत में, तो मैंने तो दादी ना चेहरा ढक रही थी अपना ना, तो मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसी मजाक करते हैं शर्मा रही होगी ठीक है, तो मैंने कहा इस वजह से मैंने कहा मना कर रही होगी, तो मैंने बना ली थी, मैंने कहा दादी मैं जूम करके बना रही हूँ, मैंने भी हंसी हंसी में ले ली बात ठीक है। तो फिर जो उनकी बहन है ना तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमारे कुनबे की वीडियो मत बनाया कर, हमें अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है ऐसे वैसे करके। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपको पसंद नहीं है ठीक है मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैंने कहा मैं अपनी मुझे पसंद है ये काम तो मैं खुद से तो करूंगी खुद से तो मैं कुछ छोड़ नहीं सकती है ना। तो ये बात हुई थी, तो मतलब होता है यार किसी को पसंद नहीं आता है ना, तो यही हुआ मेरे साथ ही भाई। देखो अगर किसी की वीडियो बनाते हैं तो सुनना भी पड़ता ही है, तो भाई कोई बात नहीं हम सुन भी लेंगे भाई, जब हम कुछ कर रहे हैं तो गाली भी खानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है इस प्लेटफॉर्म में, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है कि नहीं है। तो फिर मैंने दादी को बोल दिया था, मैंने कहा चलो ठीक है दादी आज के बाद आपकी वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो उनकी
वीडियो बनाई थी मैंने, एक दिन घर पे आई थी तो पता नहीं कि कोई देखता होगा उनके घर से भी कि बोलते उन्होंने तो मेरी वीडियो बनाई थी, कब बनाई थी। मैंने कहा दादी, मैंने कहा आपके सामने तो बनाई थी मैंने कैमरा ऑन करके। बोली मुझे पता नहीं था। मैंने कहा आप उसी टाइम मना कर देते कि मत बनाया करें ना, तो यही बात हुई थी। मैंने कहा चलो ठीक है दादी, मैंने कहा आज के बाद नहीं बनाऊँगी मैं, तो मैंने इतनी बात बोली तो बात ख़त्म हो गई थी बस। और फिर दादी मैं चली गई थी खेत में काम करने के लिए। जैसे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैं घास वगैरह इतने हो रखे हैं नहीं पूछो मत, आड़ा बाड़ा सारा की सारा फैल रखा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करे कहाँ से ख़त्म करे, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। और ये एक तो ना ये फावड़ा सा था ना, तो ये इतना भारी हो रहा था लकड़ी का जलाने में। और हमारे पास दराती भी ना एक ही थी, जो हमारे घर की पहली दराती थी ना, मम्मी ने पता नहीं कहाँ संभाल के रखी हुई थी। तो मिल दादी भी आ गई अपने, यहाँ पे दादी भी आ गई अपनी दराती लेने के लिए। देखो मैंने तो भाई कमर कुमर में ना दर्द हो गया। ये एक तो ये फावड़ा है ना, जो फावड़ा नहीं छोटा हुआ है तो भारी है ये भी। एक मोटा तगड़ा आदमी हो तो उसे तो कुछ भारी लगता नहीं है, क्योंकि वो तो उठा लेता है। और मेरी हेल्थ के अनुसार तो भाई बहुत भारी है ये, तो मैं तो दर्द हो रहा कमर कुमर में सारा। तो इतना कर लिया काम भाई, खेतों का काम भी कभी कभी करना पड़ता है, जब बोते बाते हैं ना तो करना पड़ता है। अड़ंगा भी हमने उखाड़ा था, ये पानी भर जाता है हमारे खेत में सारा के सारा। अब घास उग गई है उसमें, क्योंकि पानी आता रहता है, पानी में तो घास होती होती है। और समझ में नहीं आ रहा देखो ये घास ना आगे पीछे कहाँ से है क्या है कुछ पता ही नहीं, आगे पीछे कुछ पता ही नहीं चल रहा इसका। अगर वैसी घास होती तो काट भी लो हाथ से। हम लोग कर रहे हैं आराम थोड़ा, मम्मी बोली थी ले बैठ जा, मम्मी भी लेटी हुई वहाँ पे देखती हूँ, लेटी हुई वहाँ पे ये लोग जा रहे, देखो कैसे देख रहे बाइक में जा रहा, यहीं देख रहा बार बार बाइक में जा रहा, वो यहीं देख रहा एक एक तो ये इतना भारी है ना पूछो मत, मारने में बार बार फावड़ा। और धूप भी होगी, टाइम देखती हूँ कितना हो गया। अब कर लेते हैं थोड़ा आराम, नहीं भाई लेट जाते थोड़ा देर थक लग के। अगर चेंज करते रहो ना सही रहता है, जैसे दराती ले लो कभी फावड़ा ले लो ना तब तो सही है, इधर वो नहीं पड़ता आराम से, कभी बैठो कभी खड़े हो तो एक ही दराती है। मैं जा रही हूँ घर, मम्मी को पानी दे दिया है, थक गया है बहुत ज़्यादा, कभी काम करते नहीं है इस वजह से। देखो यहाँ ऐसे ऐसे जा रही हूँ, गार गार हो रही है ये, मट्टी मट्टी पैर दे सक रहे सारे ही सारे, थक लग गया यार बहुत ज़्यादा। घर में जाके थोड़ा आराम करूँगी। वो एक तो पैर में भी चोट है, वो देखो दादी और की कटिया चर रही है घास, देखो भाई मेरे थक गया यार बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आ जाओ मम्मी बोल रही है बाद में आ जाऊँगी, लौटती पड़ती करती रहूँगी आ जाऊँगी, मेरा मन करेगा तो। अभी हमारा खेत है ये, यहाँ से मैं आ रही हूँ, एक वो है दो खेत है, अभी हिस्से गए हैं सारे, ठीक है अकेले अकेले की नहीं है हमारा। और एक वो था जिसमें हम काम कर रहे थे हमारा ना, सुबह एक सिलेंडर ख़त्म हो चुका था तो मैं दूसरा लाई हूँ, तो अपना आप लगाती हूँ। मम्मी जा रही थी खेत में जैसे काटती हूँ फटाफट से, सोचे तो मैं दिन की रोटी बना दूंगी, देखते हैं क्या होता है कैसे। उनको सिलेंडर कैसे लगाते हैं वो दिखाऊंगी, ठीक है। इसको हमने ऐसे खींचना है, इसकी रस्सी को ऐसे खींच के, अगर ये खींच नहीं रही है ना तो इसमें क्या करो चक्कू डाल के ऐसे खींच दो, देखो ये हो गया ना। अब इसको ऐसे निकाल दो, देखो अब आराम से निकल जाएगा ये, निकल गया। तो देखो मैंने चक्कू से ना इसको ऐसे ऊपर को कर दिया तो निकल गया ये। अब मैं रेगुलेटर लगाऊंगी, तो ये ना बंद करा हुआ है देख सकते हो आप लोग, चालू नहीं है।
फिर से अंदर क्या करना है, इसमें ना ऐसे दबाना है ये जो ऊपर का पार्ट होता है, फिर कटवा जाएगी इसमें, ये सेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा दिमाग ऐसे ही चल रहा था, मैंने ना पाइप निकालने की कोशिश कर रही थी और मेरे दिमाग में आया इससे तो ब्लास्ट हो सकता है, गैस से आग भी लग सकती है, तो मैंने इसे छोड़ दिया और फिर टाइट करके ऐसे ही सेट कर दिया। सिलेंडर का काम ना बहुत ज़्यादा बेकार भी होता है, जिसे नहीं आता है तो क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है बनाऊँ तो। अब हम जा रहे हैं ये दो बोतल लेके, मम्मी जा रही थी 2:30 बजे की, तो केशु ने ले लिया अपने खिलौना, इसमें बोलने वाला बोरी मैं वहाँ चलाऊंगी इसे, और ये पन्नी है हमारी, आ जा जल्दी आ जा बेटा, इकट्ठा बोलिए ये, यहाँ केशु आ गई अपना इंतजाम लेके, ये इसकी दादी रही, अब वो रहा आग जलाने के लिए बैठा हुआ, क्यों अब करते हैं हम लोग काम। आग लगा दी है सारे सारा, देखो इतना इकट्ठा कर लिया मैंने, इतना ही कर दिया है और सारी जगह आग लगा दी है कि सारा सारा जल जाए, कल बाहर बोने वाला आएगा तो गेहूं बोएंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म, बहुत थकान लगती है खेत में ना और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है यार। क्या ये काम कर लो भाई, आ जाओ भाई जो फ्री होगा तभी तक सब मदद करवा दो खेतों में। दे दे के इसको कहाँ की दादी जी, प्याज तो पकड़ा दे भाई एक बार, तो भाई खेतों में काम करना ना आसान नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल होती है। मैं तो ये सोचती हूँ ना जो लोग काम करते होंगे खेतों में कैसे करते होंगे, हम तो 2 दिन से लग रहे हैं तभी हालत खराब हो रही है, और घास ना समझ में नहीं आ रहा, वैसे घास हो तो काट भी लो ना अच्छा भी लगता है थोड़ा, और ये तो समझ में नहीं आ रहा, आना बाणा काड़ा सब जगह सब जैसा है, ढक मत इसे पूरा, मेरे को ढक मत उसे सारा, थोड़ी देर में जलना होता। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, देख लो कितनी मेहनत करते हैं भाई हम गांव वाले, ये ताली बजा रहे तो बहुत मेहनत लगती है यार, गेहूं ऐसे नहीं खाना ऐसे नहीं मिलता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, है ना, तो देख ही रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और वीडियो को इतना लाइक कर देना कि इसमें वायरल हो जाएगी वीडियो, ठीक है, और भाई जो लोग सपोर्ट नहीं करते सपोर्ट भी किया करो यार, जो खेती बाड़ी वाले देखेंगे ना लोग वो तो करना ही करना भाई, तो जो अपने खेतों में काम करते हैं तो भाई यहाँ पे ना मुझे सांप की ना वो होती है जो खाल, वो भी दिखी थी कल, खेतों में सांप भी तो रहते हैं भाई, ये कहाँ जाएंगे, इनका घर यही होता है, ये सारे इकट्ठा कर देती है साइड, बैठ जाओ नहीं, कोई बात नहीं आप बैठ जाओ चुपचाप। तो यहाँ पे मैं केशू को ले आई थी क्योंकि घर में तो इसका मन भी नहीं लगता, रोने वो लगे रहती, फिर ये कौन देखता, तो मम्मी और मैं आ गए थे, हस्बैंड चले गए थे, तो बच्चों को लाने का मन नहीं करता खेतों में, कुछ काट कूट देना तो बहुत रिस्की होता है, तब भी ले आई थी मैं यहाँ पे, तो काम तो करना ही है। हाँ तो ये कितने बज रहे, मैं टाइम बताती हूँ आपको, 6 बज रहे, फिर पूरे की पूरे अंधेरा हो चुका है, देख लो यहाँ सारा की सारा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोग जा रहे हैं अब घर, खाना पीना भी बनाने हैं भाई घर में जाके, तो हम चार लोग दोनों को तो नहीं आ लगे हुए, घर का भी करना है,
बर्तन तो धो के आ गई थी मैं चाय चुई के सारे के सारे, मगर खाना तो बनाना है, पूजा पाठ करना है, तो चलते हैं घर, है ना केशु, के मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सारे हो रखे, धूमनी भी हो रही है तब भी मच्छर देखो, धुआं 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 धुआं, हमने धूमनी कर रखी सारे के सारे, जला रखे थे, मच्छर देखो कितने हो रहे, ये देखो बढ़िया से, और वो रही केशु की दादी, चलो घर चलते बिट्टू, ये दादी क्या कर रही है, चलो कर जा रहे हैं, हाँ पी लो सारा खत्म कर दो, बस वहाँ तक, वहाँ तक बस, अंधेरा है ना वैसे पैर वो मिल जाएंगे, मच्छर हो रहे, रात हो गई, अंधेरा कोई भी नहीं होगा, नहीं चलो 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 हम चल रहे हैं घर, पूरा मैं ले लूंगा गत्ता, ये पन्नी पकड़ने तो मैं ही ले लूंगी, चल चल अपना बड़े कद्दा बैठा ले, ले मैं उजाला कर रही हूँ, आ रही है लाइट, इसका कितना खड़ा है, नितिन का कौन है, तू का आपका कितना खड़ा है, अच्छा ओके कर दोगे, तो भाई सबको ही जिसका देखो उसका ही बुरा हाल हो रहा है, हम सोच रहे हमारा ही है, भाई हम लोग दिखाई भी नहीं दे रहे थे, चलो चलते हैं घर फटाफट, घर में जाके ब्लॉग एंड करूंगी, हैं।